क्यूबिटल टनल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी अल्नर नर्व कोहनी के लेवल पर दब जाती है और उसके कारण आपके हाथों में कमजोरी आने लग जाती है। अब ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए हम पहले समझते हैं कि अल्नर नर्व क्या है। अल्नर नर्व आपका जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है ऊपर से गर्दन से निकलता है और इस तरह से एक नस आती है जो इस हाथ में अंदर की तरफ जाती है और कोहनी के पीछे से अंदर की तरफ और पीछे की तरफ से इस तरफ आते हुए कलाई के थ्रू आपके हाथ को ताकत पहुंचाती है, तो इसको कहते हैं अल्नर नर्व। अब अल्नर नर्व जो होती है वो कोहनी पे दब सकती है या कलाई में दब सकती है। अगर ये कोहनी में दबती है तो इसको हम कहते हैं क्यूबिटल टनल सिंड्रोम और अगर ये कलाई के लेवल पर दबती है तो इसको हम कहते हैं गायन्स कैनाल कंप्रेशन। अब ये समझते हैं कि अल्नर नर्व अगर आपकी दब रही है या अल्नर नर्व में कमजोरी आ रही है तो क्या होगा। दो तरह की तकलीफ आपको हो सकती है। पहली, सुनपन और झुनझुनी आना। अगर आपकी नस कोहनी के लेवल पे और कलाई के लेवल पे दब रही है तो आपके हाथ की अंदर की सतह सुन हो जाएगी और ये चीज छोटी उंगली और रिंग फिंगर आधी मतलब अंदर की तरफ की डेढ़ उंगली में ये चीज देखी जाएगी। ये चीज अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ होगी। अब समझने की बात यह है कि अगर क्यूबिटल लेवल पे या क्यूबिटल टनल सिंड्रोम होता है तो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ की एक डेढ़ उंगली में सुनपन और आपको अगर कुछ चीज छूती है तो उस चीज का पता नहीं लगेगा। इसको कहते हैं सेंसरी लॉस। जबकि अगर आपके कलाई के लेवल में गायन्स कैनाल लेवल पे अल्नर नर्व दब रही है तो सिर्फ अंदर के भाग में ही यह प्रॉब्लम होगी क्योंकि जो बाहर का हिस्सा है वो कलाई के ऊपर की एक नस आती है वो उसको सप्लाई करती है। तो अगर गायन्स कैनाल में अगर आपका अल्नर नर्व दब रही है तो सिर्फ अंदर के डेढ़ उंगली में यह तकलीफ आएगी। दूसरी तकलीफ, आपके हाथ की जो छोटी मांसपेशियां होती हैं वो भी अल्नर नर्व ही सप्लाई करती है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा कि आपकी जो हाथों का मूवमेंट है उसकी ताकत कम हो जाएगी और आपका हाथ ऐसा हो जाएगा जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं क्लॉइंग। साथ ही साथ इसमें दो टेस्ट भी हम डॉक्टर्स लोग करते हैं जिसमें हम कंप्रेशन हाथ एक कागज को इस तरह से दबा के टेस्ट करते हैं और अगर आपके अल्नर नर्व कमजोर हो गई है दब गई है तो अंगूठा मुड़ जाता है जिसको हम फ्रोमेट साइन बोलते हैं। साथ ही साथ आपकी जो छोटी उंगली है वो बाहर की तरफ टर्न हो जाती है ऐसे हो जाती है जिसको हम वार्टनबर्ग साइन बोलते हैं। अगर आपको इस तरह के सुन पर आता है और डेढ़ उंगली जो अंदर की डेढ़ उंगली है उसमें सुन पर आता है और हाथ में कमजोरी आती है तो इसका अभिप्राय यह है कि आपकी अल्नर नर्व कहीं पे दब गई है। तो ये कहां कहां पे हो सकता है। पहला डिफरेंशियल कि गर्दन के लेवल पर दब रही है जिसको सीएट रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। दूसरा, थोरेसिक आउटलेट लेवल, इस लेवल पर दब रही है जिसको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम बोलते हैं। तीसरा, कोहनी के लेवल पर दब रही है जिसको क्यूबिटल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। और चौथा, कलाई के लेवल पर दब रही है जिसको गायन्स कैनाल कंप्रेशन बोलते हैं। आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं कि क्यूबिटल टनल सिंड्रोम क्या है। तो कोहनी के लेवल पे अगर आपकी कोहनी के जगह पे अगर आपकी अल्नर नर्व दब रही है और उसके कारण हाथों में सुनपन और कमजोरी आ रही है तो उसको क्यूबिटल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। ये जो दबाव है ये ऊपर जिसको आर्केड ऑफ सूथर बोलते हैं, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, एपिकोंडाइल, क्यूबिटल टनल कहीं पर भी हो सकता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब ये नस यहां से निकलती है तो नस के ऊपर एक रेटिनोकुलम होता है जो उसको कई बार दबा देता है और जिसके कारण आपकी हाथों में सुनपन आ सकता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी ऐसा सुनपन आएगा तो आप जब हाथ सीधा करेंगे आपको आराम मिलेगा, पर जब भी आप हाथ मोड़ के रखेंगे आपकी तकलीफ बढ़ेगी। तो जैसे ही आप कोहनी को मोड़ेंगे आपको तकलीफ बढ़ेगी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि
उन वर्कर्स में, उन काम करने वाले लोगों में जो भारी काम करते हैं और कोहनी को मोड़ के काम करते हैं, उनमें ये क्यूबिटल टनल सिंड्रोम होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि वो कोहनी मोड़ के काम करते हैं और बार बार ऐसा काम करने से जो नस होती है वो दब सकती है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको थायराइड की तकलीफ है, तो भी ये समस्या ज्यादा रहती है। हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों में कोहनी में घिसारा या कोहनी में ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ है, या अन्य किसी भी कारण, चोट के कारण कोहनी की संरचना खराब हो गई है, उन लोगों में भी ये तकलीफ क्यूबिटल टनल सिंड्रोम की देखने को मिल सकती है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम होते हैं जिसमें आपके हाथ अंदर की दो उंगलियों में सुन्नपन आ जाता है और हाथों में कमजोरी आ जाती है, तो इसकी जांच करना लाजमी है। एक जांच के रूप में पहले एक डॉक्टर द्वारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन, आपके हाथ का एग्जामिनेशन करना जरूरी है। दूसरी चीज जो हम करते हैं वो उसको कहते हैं टिनल साइन। टिनल साइन का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे इस तरह से आपकी जो नस होती है उसको प्रेस करते हैं, जिससे आपके पूरे पूरे हाथ में अगर करंट आता है तो इसको टिनल टेस्ट पॉजिटिव बोलते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि आपकी नस कोहनी के लेवल पे दब रही है। आगे जांच करने के लिए ईएमजी एनसीवी की जांच की जा सकती है, और कुछ परिस्थितियों में कोहनी का एमआरआई भी किया जा सकता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ इस उस तरह के लोगों में जिसमें किसी भी चोट के कारण कोहनी थोड़ी मुड़ गई हो बाहर की तरफ, जिसको हमारी भाषा में क्यूबिटस वेलकस बोलते हैं, उन लोगों में भी अल्ना नर्व दबने का संभावना बढ़ जाती है। और वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि जब आपका हाथ कोहनी अंदर की तरफ टर्न हो जाती है तो आपकी जो नस होती है वो खिंच जाती है, और नस के खिंचने के कारण हाथों में सुन्नपन और दर्द आ सकता है। तो अगर आपको इस तरह की तकलीफ है तो शुरुआती ट्रीटमेंट में हम कुछ दवाई देते हैं, एक प्रीगाबलिन करके दवाई होती है, वो भी कई केसेस में काम में आती है। उसके साथ साथ ही हम एक रात के टाइम पर पहने जाने वाली एक स्प्लिंट देते हैं जिसमें आपका हाथ सीधा रहता है और हाथ मुड़ता नहीं है, वो भी लाभकारी होती है, क्योंकि अगर आपका हाथ रात में मुड़ के रहेगा तो भी ये तकलीफ बढ़ती है। अगर ये सब करने के बावजूद भी आराम नहीं आता है तो इसके लिए हमें क्यूबिटल टनल रिलीज नाम की सर्जरी करते हैं, जिसमें जहां पे नस दब रही होती है उस नस को हम एक छोटा सा कट मार के रिलीज कर देते हैं, जिससे जो कंप्रेशन हो रहा है, जो दबान होता है, वो खत्म हो जाता है और आपके हाथों का जो सुन्नपन है वो निकल जाता है। कुछ केसेस में हमें नस को उठा के ऊपर, मतलब आगे की तरफ रखने की भी जरूरत पड़ती है, जिसको एंटीरियर ट्रांसपोजिशन ऑफ अल्ना नर्व बोलते हैं। ये तीन तरह का होता है, जिसको सबक्यूटेनियस, सबफेशियल और सब मस्कुलर बोलते हैं, और डिपेंडिंग ऑन अलग अलग आपको तकलीफ क्या है उसके हिसाब से आपके डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन सी सर्जरी आपके लिए योग्य रहेगी। तो मैं इस चीज को संक्षेप में बताते हुए आपको इतना बताना चाहूंगा कि अगर आपके हाथ के अंदर की दो उंगलियों में सुन्नपन आता है तो ये क्यूबिटल टनल सिंड्रोम का लक्षण हो सकता है, और अगर ऐसा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसका यथोचित इलाज कराएं। धन्यवाद।